अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का आखिर मकदम है। पैग या एनर्जी ड्रिंक और भाजपा के बुरे दिन, जी हाँ, आज इस मौजू पर बात करते हैं। आज बेलगाम डीसी को कांग्रेस की जानिब से मृणाल हेब्बाड़कर और भाजपा की जानिब से जगदीश शेट्टर ने अपनी अर्जियां दाखिल की। वैसे तो बरोजबूत जुलूस की शक्ल में जगदीश शेट्टर फिर नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, लिहाजा कांग्रेस के उम्मीदवार मृणाल हेब्बाड़कर ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए, यानी कि शक्ति प्रदर्शन करते हुए, एक तरह का जीत का पैगाम ही अपनी तरफ से देने की कोशिश कही जा रही है। उधर भाजपा में भी किसी तरह अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिशें जोरों पर है, पर मुल्की सतह पर ही भाजपा के बुरे दिनों का आगाज हो चुका है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार किसी तरह मोदी लहर भी नहीं है और राम मंदिर हिंदुत्व को लेकर आवाम में उतना जोश नजर नहीं आ रहा जिसकी उम्मीद भाजपा की जानिब से की जा रही थी। भाजपा या मोदी भक्तों को यह खुशफहमी थी कि किसी तरह हिंदुत्व या मजहब के ध्रुवीकरण के जरिए फिर से आवाम को अपनी तरफ माइल किया जा सकता है, और इसी डर के मद्देनजर उन्होंने 400 पार का नारा भी लगाया। भाजपा की जानिब से अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया गया। वैसे कांग्रेस ने पहले ही अपना मैनिफेस्टो का ऐलान किया था और लोगों की नजरें भाजपा के मैनिफेस्टो पर थी, पर जैसे कहा गया, फिर से धर्म की सियासत या मजहबी ध्रुवीकरण के जरिए लोगों को माइल करने की एक तरह कोशिश कह सकते हैं। हमेशा की तरह असल मुद्दों को इस बार भी बदल दी गई। मैनिफेस्टो में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी गायब है और यही असल मुद्दे इस चुनाव में नजर आ रहे हैं। खैर, भाजपा एक चालाक पार्टी है, आखिर तक क्या नैरेटिव बना सकती है ये कह नहीं सकते, पर बजाहिर जो फिलहाल तस्वीर नजर आ रही है, भाजपा 400 पार तो दूर, कुछ माहिरीन ने 200 के आगे भी बढ़ना मुश्किल कहा जा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भाजपा 250 तक आसानी से पहुंच सकती है। भाजपा की सीटें तकरीबन रियासतों में घटती जरूर नजर आ रही है। खुद भाजपा के ही गुणगान और हिमायत करने वाली गोद मीडिया भी मजबूर होकर घटती सीटों का इजहार करना पड़ रहा है। भाजपा के बुरे दिन इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मकसद, या यूं कहिए कि हिंदू राष्ट्र और संविधान बदलने की बातें कहीं तो इन्हीं पर बुमरैंग होती नजर आ रही है। भाजपा के रियासती और मरकजी लीडरों ने खुले मंचों से संविधान बदलने की बात कही, जिससे कुछ लोग नाराज इसलिए भी हुए क्योंकि भारत में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी के मियार में बांग्लादेश जैसे छोटे मुल्क से भी हम पीछे रहते नजर आ रहे हैं एक तरह से, और ये बात शर्मनाक ही कह सकते हैं। और तकरीबन पैंतरे भाजपा अब तक धर्म, जात पात, पाकिस्तान, हिंदू राष्ट्र, हिंदू तहजीब, CAA, NRC, हिजाब, झटका, हलाल, कब्रिस्तान, शमशान, दिवाली, रमजान, राम मंदिर को अब तक वो मुकम्मल कर चुकी है और बार बार वो इस पर जीत भी चुकी है, और खुद भाजपा या भक्त मंडली भी कहीं तो इसे महसूस भी कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड और केजरीवाल की गिरफ्तारी भी भाजपा के लिए कहीं तो अंगलट आती नजर आ रही है, और इन तमाम के बीच बुरे दिनों का आगाज अब पक्का होता नजर आ रहा है। खासकर बेलगाम का जिक्र किया जाए तो आज नायब वजीर आला DK शिवकुमार ने भी मृणाल हेब्बाड़कर के नॉमिनेशन में शिरकत फरमाई और खुलकर भाजपा पर हमला भी बोला। बेलगाम की सियासत में भाजपा की जानिब से जगदीश शेट्टर की उम्मीदवारी खुद बेलगाम भाजपा वालों को ही खल रही है। हुबली से बेलगाम को उम्मीदवार लाने से क्या बेलगाम में सालों से खिदमत अंजाम देने वाले भाजपा के वफादार कारकुनान कम थे क्या, और वैसे भी कांग्रेस में जाकर आ चुके हैं। ऐसी बातें भी जब से जगदीश शेट्टर का नाम आना शुरू हुआ है उस वक्त से अंदरूनी इख्तलाफात देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो अंदरूनी इख्तलाफात कांग्रेस में है जैसे भाजपा में है, और इस पर तबसरा तब होता है जब उम्मीदवार हार जाता है। जीत तमाम गलतियों पर पर्दा डाल देती है। अब इसमें मजीद इजाफा संजय पाटिल ने किया हुआ है। कभी कभी संजय पाटिल जोश में कुछ तो बोल जाते हैं। पिछली मरतबा भी इसी तरह भाजपा को वोट देना राम मंदिर को वोट देने के बराबर और कांग्रेस को वोट देना बाबरी मस्जिद को देने के बराबर कहा था। मतलब कभी कभी जहनी तवाजुन खो देते हैं। खैर, इस बात से भी और भी बात आगे बढ़ते हुए कहा कि भाजपा की जीत को यकीनी होता देखकर लक्ष्मी हेब्बाड़कर को एक पैक ज्यादा लेकर सोना पड़ेगा। अब इस बयान पर खासी फजीयत और मुश्किलों में भाजपा आ चुकी है। जगदीश शेट्टर को एक खातून पर इस तरह तोहीन आमोज बयान देने पर सवाल किया गया तो इन्हें दाएं बाएं होना पड़ा। भले मीडिया भाजपा को जिताने की कोशिश में लगी हुई है, इसके बावजूद भी भाजपा का टाइम बुरा नजर आ रहा है। संजय पाटिल के इस बयान ने मृणाल हेब्बाड़कर की जीत को और भी आसान कर दिया है। शराब पीने को ही पैक कहते हैं, पर मैंने तो पेग से मुराद एनर्जी ड्रिंक कहा, ऐसा घूम जाओ करने की कमजोर कोशिश संजय पाटिल को करते देखा गया। लेकिन जनता काफी समझदार है। मैनिफेस्टो में फिर से कॉमन सिविल कोड की बात कही गई, जबकि अवाम के बुनियादी मसाइल से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में DK शिवकुमार ने खुली चुनौती भाजपा को देते हुए कहा कि किसी भी इल्जाम पर असेंबली में बहस के लिए तैयार हूं। अगर भाजपा में हिम्मत है तो वह बहस करे। अगर भाजपा जमीन, रिश्वतखोरी या किसी भी इल्जाम पर मुझसे बहस कर सकती है तो वह असेंबली में आए। लिहाजा कर्नाटक में 20 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात DK शिवकुमार ने कहीं पर
15 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है ऐसा सर्वे बता रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है और जिन अच्छे दिनों का वादा भाजपा ने दिया था अब भाजपा के अपने खुद के बुरे दिन आते हैं नजर आ रहे हैं, बुरे दिनों की तरफ आगे बढ़ रही है। आवाम का कहना है कि कर्नाटक में बुनियादी मसाइल है, कांग्रेस ने 5 गारंटियों के जरिए आवाम का भरोसा जीत लिया है। बजाय भाजपा की गारंटी के मोदी की गारंटी कहना और भी भाजपा के मियार को गिरा देता है, क्योंकि कोई शख्स अगर पार्टी से बड़ा बन जाता है तो फिर पार्टी में नीचे कारकुनों की कोई अहमियत कदर नहीं रहती। वजीर आजम की कोई भी गारंटी अब तक मुकम्मल नहीं हुई है, ये भी एक चर्चा का मौजू है। इस तरह का जहन अब आवाम का बनता जा रहा है। यकीनन राहुल गांधी के मुकाबले में मोदी की मकबूलियत ज्यादा है, पर अब आवाम सिर्फ जुमलेबाजी पर वोट करना नहीं चाहती। हर एक के खाते में 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरियों तक और किसानों की यानी कि एहतजाज के वक्त 700 किसानों की मौतों से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक और जो लोग पैसा लेकर भाग गए वो एक अलग मामला है, तो भाजपा की साख को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। बारिश की कमी है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, नीरव मोदी, ललित मोली, मल्या, मेहुल चौकसी जैसे अमीर लोग देश को लूट कर भाजपा के ही रहम करम पर भारत छोड़ चले गए हैं, और कई सारे ताजिर यहाँ तक कि 6 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है यहाँ से लोग विदेश में वो खुद वहां जाकर रह रहे हैं, और यहाँ पर भारत में वजीर दाखला और वजीर आजम बाहर से यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां से लोगों को लाकर भारत में बसाने की बात करें, जबकि भारत के लोग ही यहाँ के खुद ताजिर जो भारत की मईशत का वो एक हिस्सा है वो यहाँ छोड़कर विदेश जा रहे हैं बजाय उनकी फिक्र करने के, इन्हें किस कोई और फिक्र सता रही है। खैर, कई अन्नदाता बैंकों के कर्जे तले दबकर खुदकुशी कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जुनूबी हिंद में भाजपा का पूरा सुपड़ा साफ हो रहा है, तो खुद योगी बाबा के सबसे बड़े रियासत में भाजपा की सीटें घट रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश होने के बाद भाजपा का बेहिसाब रुपया चुनाव पर खर्च करना भी इस बार मुश्किल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा को धर्म के नाम पर भड़काने पर बार बार तमाचा मारती नजर आ रही है। ईडी, सीबीआई, एनआईए के छापों से हिटलरशाही का आगाज कर सकते हैं ऐसा भाजपा को लग रहा था, लेकिन आलमी सतह पर भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत की जमहूरियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे कई वीडियोज मोदी के वायरल हुए जिसमें बैरूनी ममालिक में फजीयत होती दिखाई दे रही है, मतलब सिर्फ भक्त मंडली ही ज्यादा तक वजीर आजम मोदी के हरकतों पर खुश होते नजर आ रहे हैं। मोदी भारत के पहले वजीर आजम है जिन्होंने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और हमेशा फोटोशूट में मसरूफ रहे, कभी समंदर किनारे तो कभी समंदर के अंदर, तो कभी समंदर किनारे कचरा बीनने का नाटक, तो कभी सड़क पर कोई भी नहीं रहता और हाथ हिलाते देखे जाते हैं। बात तो बिल्कुल साफ है कि 2014 से लेकर 2024 तक मतलब 10 सालों में वजीर आजम मोदी के तमाम पहलुओं को भारत के आवाम ने देख लिया और समझ भी लिया है। देश की गिरती साख, समाजी माशी पस्ती देश को और कर्जदार बनने की तरफ ले जा रही है, और इस बार मुल्क और रियासत के कई इल्मी माहिरीन ने फिर से भाजपा या मोदी हुकूमत को इख्तदार पर ना आने और भाजपा को हराने की पुरजोर कोशिशें जारी की है। भाजपा का हिंदुत्व इस चुनाव में फीका तो है ही, और खुद आवाम ने ही इस बार शायद इरादा कर लिया है कि भाजपा को सत्ता से दूर रखा जाए। भले किसी तरह मुश्किल से भाजपा हुकूमत बना भी लेती है तो मजबूत विपक्ष के सामने सत्ताधारी भी बेबस हो जाएगी और इनके तमाम मंसूबे नाकाम हो जाएंगे, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। अब कुछ अहम खबरें जिनमें सबसे पहले इसराइल फलस्तीन जंग के बाद अब ईरान ने जबरदस्त टेरर स्ट्राइक इसराइल पर किया है जिससे पूरी दुनिया हिल चुकी है। 185 ड्रोन हमले, 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 36 क्रूज मिसाइलों को ईरान ने इसराइल पर दागा है। इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मीडिया को हिदायत दी गई है कि इसराइल के नुकसान का कोई भी वीडियो तस्वीर को शाया न किया जाए। इसराइल ने भी पलटवार की धमकी दी है, पर ईरान पर हमला कोई गाजा पर हमला करने के बराबर नहीं है जो जब चाहे हमला कर सके। भारत ने अमन का मुतालबा जरूर किया है और किसी की भी तरफदारी नहीं की है। वैसे भी ईरान से भारत के काफी पुराने ताल्लुकात हैं और दोस्ती भी रही है, और तेल गैस का खरीदार भी भारत रहा है। अमेरिका ने खुले तौर पर इसराइल की हिमायत की है, ईरान ने अमेरिका को भी धमकी दी है, पर कुछ नाम निहाल मुस्लिम मुल्कों ने भी इसराइल को ईरान पर हमला करने के लिए मदद फराहम करने का वादा किया है। खैर, तीसरी आलमी जंग की दहलीज पर दुनिया खड़ी नजर आ रही है जैसा कि हमारी पेशिंदोइयों में बताया गया है। गांधीनगर में दुकान में तब्दील हुई, लिहाजा माल मारुति थाने में मामले को दर्ज किया गया जिसमें 10 अपराधों पर जुर्म तय किया गया। माल मारुति थाने के सीपीआई जाकिर काल मिर्ची ने नानावड़ी में शाद के मखियों ने हमला कर 8 मजदूरों को शदीद जख्मी किया है। तमाम जख्मी मजदूरों को सिविल अस्पताल में जेर इलाज रखा गया।
बेलगाम शहर में हर कोई गली मोहल्ले में स्कूलों को खोल रहा है। अब तालीम भी कारोबार बनता जा रहा है, यह अलग से बोलने की जरूरत नहीं। लिहाजा हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी स्कूलों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया और गैर कानूनी स्कूलों की फहरिस्त 24 तारीख को शाया की जाएगी, ताकि कानूनी तौर पर जिन स्कूलों को रजिस्टर नहीं किया गया उन स्कूलों में वालिदैन अपने बच्चों का दाखिला न करें। अक्सर देखने को मिलता है कि वालिदैन नहीं जानते कि कौन सी स्कूल कानूनी है और कौन सी गैर कानूनी है, लिहाजा इसकी वजह से वालिदैन को परेशानी उठानी पड़ती है। बेलगाम शहर में गैर कानूनी स्कूलों की बड़ी तादाद बताई जा रही है, जिस पर रोक लग सकती है, ऐसा अवाम में कहा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।